गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। फिर अंदर बाइक के अंदर इंस्टॉल करेंगे रूट्स के हॉर्न। सो आप लोगों के काफ़ी डिमांड थी कि भैया रूट्स के हॉर्न को इंस्टॉल करके बताओ। सो वैसे तो सभी ऑलमोस्ट हॉर्न होते हैं, उनका सेम ही कनेक्शन होता है, कुछ अलग नहीं होता, कुछ डिफरेंट होते हैं। जैसे प्रेशर हॉर्न हो गया और डॉग हॉर्न, ये कुछ दो दिन आते हैं ऐसे, इनका ही कनेक्शन अलग होता है, अदरवाइज सभी का ऑलमोस्ट सेम ही होता है। सो मैंने काफ़ी वीडियोज़ बनाई हुई हैं, पहले विंटोन की और एक मैंने मेगा सोनिक भी लगाया था, बट आप लोगों की डिमांड थी भाई यार रूट्स की एक बार आवाज़ सुनो किस तरह से आवाज़ आती है, किस तरह से इसके कनेक्शन होते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि रूट्स के उनको बाइक के अंदर कैसे स्टोर करना है। सो उसके लिए अपने को क्या क्या चीज़ें चाहिए वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल चाहिए अपने को वायर, आप ब्लैक या कोई मर्जी कलर के अंदर ले सकते हैं। 1 mm या 1.5 mm की वायर लेनी है आपको, ठीक है, 10-15 रुपये तक की वायर आ जाएगी, इतनी लगेगी नहीं, बट आप 10-15 तक की ले लेना बाई चांस, अगर वायर वगैरह कट हो जाती है जब अपने करते हैं कोई दिक्कत वगैरह ना आए तो इस वजह से वायर एक्स्ट्रा ले लेना। मेन चीज़ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है हॉर्न रिले, इसकी अपने को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसकी मैंने काफ़ी वीडियो बनाई हुई और एक्सप्लेन की हुई क्यों इतना ज़रूरी होता है, सो आप प्रीवियस वीडियो जाके देख सकते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। 61 रुपये का आपको मिल जाएगा, मिंडा कंपनी का मैंने लिया है। जो थर्ड चीज़ चाहिए वो अपने को चाहिए इस तरह की क्लैंप चाहिए, इस तरह के कुछ पार्ट होगा, इसको अपने को लगाना है। तो मेन चीज़ है वो है रूट्स के हॉर्न, तो ये रहे मेरे पास रूट्स के हॉर्न जैसे कि आप देख सकते हैं, और काफ़ी ज़्यादा हैवी है, काफ़ी ज़्यादा हैवी है, और पीछे इसके हॉर्न पत्ती पहले से लगी हुई है, सो अपने को उसकी ज़रूरत नहीं होगी अलग से लेने की। सो अपने को क्या करना है, क्लैंप को पहले चेसी के ऊपर फिक्स करना, उसके बाद इस तरह से हॉर्न उसके ऊपर फिक्स हो जाएगा, इसको टाइट करना है, देन जो कनेक्शन है वो मैं आपको बताऊंगा। और एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, अपने को जो साथ में वायर के साथ में थिम्बल भी चाहिए, सो आप 5 से 6 थिम्बल अपने पास ले लीजिएगा, एक दो एक्स्ट्रा कैरी कर लीजिएगा। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सो हॉर्न को मैंने फिक्स कर दिया, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने एल टाइप की पत्ती ली है, जो मैं क्लैंप पहले यूज़ कर रहा था वो मैंने नहीं लगाए, एल टाइप की पत्ती ली है, एक यहाँ लगाया और हॉर्न को इस तरह से मैंने यहाँ पर फिक्स कर दिया, और सेकंड उस तरफ लग चुका है जैसे कि आप देख सकते हैं। और अपने को क्या करना है, रिले ये लेना है और वायर लेनी है दो कुछ इस तरह से, जिनके दोनों साइड थिम्बल लगाओ। तो एक वायर को क्या करना है, एक वायर को लगाना इधर और दूसरी वायर वहाँ चल दी जाएगी, ठीक है, जो मतलब सेकंड पॉइंट है, एक इधर लगानी है और सेकंड उधर चली जाएगी। हॉर्न रिले के अंदर आप जो देख रहे हैं एक दूसरे के जो सामने पॉइंट है, इसके ऊपर अपने को जो हॉर्न की वायर है वो लगानी है, जो कि यहाँ पे छोटा जो हॉर्न लगा होता है ना जिसके अंदर जो वायर होती है, ये मैंने निकाल ली है, ये यहाँ से ये देखिए ये निकाल लिया, तो ये इसके अंदर लगाएंगे, ठीक है, और एक एक वायर उस तरफ चली जाएगी। तो इतना मैं कनेक्शन कर लेता हूँ और फिर मैं आपको आगे का बताता हूँ कि आगे क्या करना है। रिले के अंदर जो मैंने ओरिजिनल हॉर्न की वायर है वो लगा दी है, अब इसको अपने चेक करने की सही लगी है, तो इसका अपने को क्या करना होगा, पहले की को करते हैं ऑन और हॉर्न को क्लिक करके देखेंगे, तो इसके अंदर से एक टिक टिक की आवाज़ आएगी, ये देखिए, तो इसमें ये एकदम सही लगा। अब अपने को क्या करना है, हॉर्न के कनेक्शन करने हैं। सो एक वायर देखिए कुछ ऐसे लगेगी, मैं लगा लेता हूँ, ये देखिए, और इसका जो दूसरा पॉइंट है वो उस हॉर्न के अंदर लगेगा सेम, और यहाँ पर एक लगेगी और वहाँ पर एक लगेगा, सो ये भी मैं कनेक्शन कर लेता हूँ। वो कनेक्शन जो थे वो हो चुके हैं। अब मैंने क्या किया है, यहाँ पे जो एक वायर है मैंने बैटरी से लेके आया हूँ, बैटरी के पॉजिटिव पॉइंट से, ये देखिए आप, बैटरी के पॉजिटिव पॉइंट से लेके आया हूँ मैं एक वायर और यहाँ पे लगा दिए, और यहाँ पे जो दूसरा पॉइंट यहाँ पर रह गया था, यहाँ पर मैंने क्या किया है आपको दिखाता हूँ एक सेकंड रुकिए। तो यहाँ पर जो सेकेंड साइड में जो हॉर्न लगा हुआ था उसके अंदर मैंने एक वायर को अटैच किया और इस वायर को मैंने उस पॉइंट पर लगा दिया। अब जो लास्ट कनेक्शन है वो ही रह गया, इसके अंदर एक वायर लगानी है और नीचे अपने को कहीं भी नट बोल्ट के ऊपर उसको अर्थ करना है। सो ये मैं कर लेता हूँ और ये जो सारी वायर्स है इसको एक थोड़ा टेप करके इसको साइड में कहीं रख देता हूँ, एंड देन उसका जो साउंड है सुनते हैं कि कितना है, कितना तेज़ है और कैसा है। ऑल कम्प्लीट हो चुका है जैसे कि आप देख सकते हैं, इस तरफ भी वायर लग चुके हैं और इस तरफ भी वायर लग चुके हैं, ठीक है, और नीचे जो अर्थ करना था ये देखिए, ये वायर भी इसके अंदर लग चुकी है और ये सारे कंप्लीट हो चुका है कनेक्शन। अब चलते हैं बाहर और देखते हैं कि इसका साउंड कितना तेज़ है, कितनी मतलब दूरी तक इसका साउंड सुनता है अपने को।
तो आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद है। अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। वीडियो से रिलेटेड आपको कुछ भी जानना है देन कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इसी तरह के मॉडिफिकेशन रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में जो बेल का आइकन है उसे प्रेस कीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और अभी तक आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो जरूर से फॉलो कर लीजिए, स्क्रीन पर आप आईडी दे सकते हैं, बाकी इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन रहेगा। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो साथ। तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू ऑल, टिल देन बाय एंड टेक केयर एंड कीप सपोर्ट मी, कीप लविंग मी। Bye.